गुड मॉर्निंग टू रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, माई नेम इज़ देविका कुमारी। फर्स्ट आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी गांधी जयंती। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर्स टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। प्रधानाचार्य एवं मेरे गुरुजी एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको पता है कि आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। मैं गांधी जयंती पर गांधी जी के जीवन के संघर्षमय और प्रेरणादायक जीवन के बारे में 2 शब्द प्रस्तुत कर रही हूँ, अतः इसमें आपको कोई गलती या अटूटी नज़र आए तो मुझे क्षमा कर दे। गांधी जी का जन्म कब हुआ था ये तो आप सबको पता है। मैं बताना चाहती हूँ कि गांधी जी को लोग आदर से बापू कहकर पुकारते थे। उनका जीवन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर था। पूज्य माँ सरस्वती और प्रधानाध्यापक और गुरुजनों और प्रिय भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानाचार्य एवं मेरे गुरुजनों, सपाटी भाइयों और बहनों, आज हम गांधी जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए। जैसे कि आप सबको पता है कि आज गांधी जयंती है, सबसे पहले मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं गांधी जयंती पर। मैं आज इस शुभ अवसर पर कुछ 2 शब्द प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती या कुछ त्रुटि आए तो मुझे माफ़ करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर गाँव में हुआ था और उनके पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था और पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनकी 13 वर्ष की आयु में ही उनकी कस्तूरबा गांधी से शादी हो गई थी। वे एक सादगी जीवन जी रहे थे, नहीं किसी से घमंड, नहीं किसी से कोई डर या खौफ, हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, वह समय के साथ चलते थे। उन्हें कभी लोग प्यार से बापू कह के पुकारते थे और उन्होंने वैसे तक तो बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन उन्होंने कभी नौकरी या वकीलाई बनने की कभी कोशिश नहीं की, ताकि उन्होंने अपना सारा जीवन था वो देश की सेवा में लगा दिया था।
अब दक्षिण अफ्रीका में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसमें उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, हजारों भारतीयों को भी जेल जाना पड़ा। वैसे महात्मा गांधी की उसमें विजयी रही। 1887 में महात्मा गांधी जी ने मैट्रिक परीक्षा पास करके आगे की पढ़ाई के लिए 1888 में वे बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए लंदन चले गए। वहाँ उनको चौका धोखा अच्छा नहीं लगा, लेकिन तो भी उन्होंने अपना सादगी जीवन पर कामयाब रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है कि हर वर्ष हम 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाते हैं, तो जयंती मनाने से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्यों मनाते हैं हमें ऐसा? जयंती मनाने से इतने महापुरुष है, महात्माओं की हम जयंती मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, क्या शिक्षा मिलती है ऐसा मनाने से? कोई महात्मा या महापुरुष बनता है तो एक दिन में या 2 दिन में, या कोई साधारण सा जीवन जीने से नहीं बनता, या कोई किसी के पास पैसा बढ़ने से, या कोई बड़े परिवार में जन्म लेने से कोई महापुरुष या महात्मा नहीं बनता। जीवन में संघर्ष और कठिन परिस्थितियों में होकर उसे गुजरना पड़ता है, जब जाके वो महापुरुष और महात्मा बनता है। जैसा कि महात्मा गांधी के बारे में आपने पढ़ा होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, दोनों की जयंती है। जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ तो बच्चे का प्रथम गुरु होती है उसकी माँ, तो माँ का प्रभाव बच्चे बहुत रहता है। माँ ने ही सिखाया कि अहिंसा पे चलना है, अहिंसा पे। अहिंसा का मतलब होता है आपको बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपनी बात को मनवाना। आपको अहिंसा पे चलना है, सत्य बोलना है हमेशा। यदि कोई अन्याय कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलना है ज़रूर। तो गांधी जी, क्योंकि पढ़ने में होशियार थे गांधी जी फिर विदेश गए पढ़ने के लिए। तो विदेश गए गांधी जी पढ़ने के लिए, तो ट्रेन में बैठे हुए थे तो गांधी जी को जब फर्स्ट एसी में वो ट्रेन होती है, उसमें कई कंपार्टमेंट होते हैं, तो फर्स्ट क्लास वाले उसमें बैठे हुए थे गांधी जी। तो उनका सामान था बैग, और गांधी जी दोनों को पकड़ के अंग्रेजों ने 7 अफ्रीका में और सब बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उनको, बुरी तरह से लज्जित कर दिया। जब बाद में पता चला गांधी जी को कि मामला क्या है, ऐसे कैसे फेंक दिया, उनको फेंका रंगभेदी चक्कर में, क्योंकि अपना जो भारतीय है उनका तो कलर थोड़ा डाउन है, वो अंग्रेज थे इसलिए रंगभेद के शिकार हो गए वो। फिर उन्होंने वहीं से आंदोलन चालू कर दिया, वहीं रंगभेद का आंदोलन किया। जहाँ भी अन्याय होता वहीं गांधी जी पहुँच जाते, गांधी जी उन्होंने सबका आंदोलन किया, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज थे उनके अत्याचार भारत पर बहुत थे। जो अंग्रेजों की चापलूसी करते भारतीय, उनके लिए तो बेनिफिट देते, फायदा देते, और जो अंग्रेजों का विरोध करते उनको प्रताड़ित करते अंग्रेज, ये समस्या थी। क्योंकि भारत को आज़ाद कराना था तो अंग्रेज जो अपने महात्मा गांधी जी थे उन्होंने आंदोलन को विशाल रूप दिया। हर आंदोलन का ऐसे जैसे दांडी यात्रा थी, अंग्रेज चाहते थे कि नमक का जो भी कारोबार हम ही करें, लेकिन गांधी जी ने विरोध किया, नमक कानून को तोड़ा, पैदल यात्रा की, लोगों को अपने साथ जोड़ा। 1942 में करो या मरो का नारा दिया, लोगों साथ में जोड़ा। जब अंग्रेजों को ये लगा कि भाई अब हम पे से कुछ नहीं हो सकता, अब इन भारतीयों को हमें आज़ाद करना ही पड़ेगा, इसलिए भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। बाकी गांधी जी के जैसा कि सुबह सर ने बताया था, गांधी जी के तीन बंदर थे गांधी जी के, सुना होगा आपने भी। एक का फोटो आता है ऐसे आँखों पर हाथ रख के, एक का फोटो आता है ऐसे कानों में उंगली लगा के। तो जो आँखों पर लगता है अर्थ इसका मतलब है बुरा मत देखो। जो गांधी जी का पहला बंदर था उसका संदेश है बुरा मत देखो। यदि कोई अन्याय कर रहा है, बुरा मतलब ये नहीं है कि बुरे सीन मत देखो, कुछ मत देखो। यदि कोई किसी पर अन्याय कर रहा है तो आप उसमें उसे जरूर ये जज कराएं कि यार तू एक गलत काम कर रहा है, अन्याय कर रहा है, उसमें इंटरफेयर करें कोई गलत कर रहा है तो।
बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। यदि कोई किसी के बारे में बुरा बोल रहा है तो उससे कहो कि भाई तेरा क्या कहे, बुरा नहीं बोलना चाहिए दूसरे के बारे में हमेशा। एक उंगली बुरा मत कहो दूसरे के बारे में, कभी क्या बुरा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। बाकी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही आम परिवार से थे, वो अपने काम स्वामी करते थे, अपने काम कपड़े धोना सिलाई करना, गरीब थे वो, बहुत ही अभावों में पले थे, अभावों में वो गान। जब लाल बहादुर शास्त्री जब जाते ना पढ़ने के लिए तो बीच में नदी पड़ती थी, उनके पास एक ही ड्रेस थी, उस ड्रेस को उतारना, हाथ में पकड़ना, फिर नदी को पार करना, नदी के बाद पहनना। यदि किसी के अंदर कुछ चाह है कुछ करने की तो व्यक्ति अपने शिखर तक जरूर पहुंचता है। लाल बहादुर शास्त्री इतने आम परिवार से होते हुए, इतने गरीब होते हुए उनके अंदर कुछ करने का जज्बा था, इसलिए वो भारत के प्रधानमंत्री बने। इसलिए आप भी हौसला रखो, पढ़ाई किया करो। रोज़ कहते हैं, पर डे कहते हैं, मेरा तो मानना यही है, मैंने सभी क्लासों में कहा है और फिर मैं आप भी कहना चाहता हूँ, अच्छे कपड़े पहनने से, सेंट लगाने से, अच्छे जूते पहनने से और अच्छी मांग काटने से कोई व्यक्ति स्मार्ट नहीं हो जाता, स्मार्ट होता है स्मार्ट पढ़ाई करने से। यदि आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, यदि आप 100 के बीच में बोल सकते हैं, यदि आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आपका तहसील स्तर पर नहीं, जिले स्तर पर नहीं, विश्व स्तर पर भी नाम होगा यदि आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो। मेरा तो आइकन हमेशा जो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं ना वही रहे हैं, मैं भी आपकी तरह कौन कुछ नहीं हूँ। ये सर भी बैठे हैं सब, इनके भी दो आँखें हैं, दो हाथें हैं, सब कुछ उतना ही है, दिमाग का अंतर है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, इसलिए कहते हैं पढ़ाई करो, समय है, अभी तो समय है, बाद में समय नहीं रहेगा। ये कहावत है ना, अब पछता है हो तक आज चिड़िया चुग गई खेत, दूसरी कहावत है वो वर्षा के जो कृषि सुखाने। समय नहीं रहेगा, बाद में पछतावा होगा आपको कि काश हम पढ़ लेते तो ठीक रहते। यदि कोई फसल है वह वर्षा करे कृषि सुखाने, यदि कोई फसल है, यदि फसल सूख जाए उसके बाद कितनी भी बारिश हो जाए, बारिश का कोई औचित्य नहीं है। जैसे ही बड़े हो जाओगे, अभी माँ बाप के ऊपर खाना खा रहे हो, माँ बाप पैसे दे रहे हैं, आपको पता नहीं है पैसा कैसे कमाया जाता है। जब आप बड़े हो जाओगे, चार पैसे कमाओगे, जब पता चलेगा आपको, उस समय आपको जरूर याद आएगा कि काश हम पढ़ लेते तो ठीक रहता। जय हिंद जय भारत। माँ शारदे सरस्वती को वंदन, देवतुल्य हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का आज जन्म दिवस का जो आयोजन था काफ़ी सफल रहा और आपको काफ़ी इसके बारे में जानकारी दी गई। मैंने इस उपलक्ष में और कुछ बच्चों ने मिलकर गाना तैयार किया है जो महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर है, तो हम सब मिलकर उसको थोड़ा गुनगुनाएंगे। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी ना कहीं तोप ना बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वार फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल,
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा उर अंतर में, जीवत रहे नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी सीमित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा। ये छोटी सी कविता थी जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। तो आज जन्मदिन था जिसके ऊपर हमने उनके जीवन से संबंधित सभी पहलुओं के बारे में चर्चा की है, जो जो आवाज नहीं था, अच्छे कार्य और महान कार्य किए हैं, उन कार्यों के लिए हम उनको याद करते हैं और उनका जीवन, उनकी जीवन। तो आज मुझे वास्तव में खुशी हो रही है कि आपने जिस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए जितने भी प्रतियोगिता की उसमें सभी बच्चों ने अच्छा पार्टिसिपेट किए, अच्छी भागीदारी निभाई। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो बच्चे जिस पार्टिसिपेट में कर रहे हैं वही कर रहे हैं, थोड़ा उनमें नए भी जुड़े, और गुरुजी ने सबने अच्छे विचार दिए, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, हम आपके ज्ञान से वंचित रह रहे हैं। तो आप इनसे सीखें। एक दिन मैं भी चाहता हूँ कि मेरी फोटो, मेरी मूर्ति इस प्रकार से रहे। हर एक व्यक्ति की चाह होती है, जैसे गुरुजी ने कहा, ऐसा काम कर चले हम रोए, हम हंसे और दुनिया रोए, जग रोए, ऐसा काम कर चले। जैसे गांधी जी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में सुबह मैंने आपको कहा था, एक प्रिय भजन से मैं इस बात को विराम दूंगा, और गुजरात में भजन है जहां से लोग रहते थे, बहुत प्यारा भजन। विष्णव जन तो तेने कहिए, विष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, विष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे परे उपकार करे, तोय मन अभिमान आणे रे, पर दुखे परे उपकार करे, तोय मन अभिमान आणे रे, वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ और सकल लोक मा सौना वंदे, सकल लोक मा सौना वंदे, निंदा न केरी करे रे, नंदा न केनी करे रे, वाच काच मन निचल राखे, वाच काच मन निचल राखे, धन धन जननी तेनी रे, जन धन धन जननी तेरी रे, विष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, ए पर दुखे परे उपकार करे, तोय मन अभिमान आणे रे, श्रम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मातरे, पर स्त्री जने मातरे,
जिव्या थकी असत्य ना बोले, जिव्या थकी असत्य ना बोले, परधनन झाले हाथ रे, परधन झाले हाथ रे, ए वैष्णव जन तो तेने कही, जे पीड़ पराई पर दुखे परी उपकार करे, तोय मन अभिमानन मोह माया व्यापे नहीं जेने, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मायरे, दृढ़ वैराग्य जेना मन मायरे, राम नाम सु ताली लागी, राम नाम सु ताली, सकल तीर्थ तेना तन मेरी, सकल तीर्थ तेना तन मेरी, ए वैष्णव जन तो तेने कही, जे पीड़ पराई ए पर दुखे पर उपकार करे, तोय मन अभिमान ने आने रे, बिन लोभी ने कपट रहित छे, बिन लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे, काम क्रोध निवार्या रे, भण नरसयो तेना दर्शन ना, भण नरसयो तेना दर्शन ना, कुल एकोतर तार्या रे, ए वैष्णव जन तो तेने जे पीड़ पराई जाने, पर दुखे परे उपकार करे, तोय मन अभिमान ने आने रे, तोय मन अभिमान ने आने रे, जय हिंद जय भारत। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रेण कहाँ जो सो, जो सोवत है सो कोवत, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो कोवत, जो जागत है सो पावत, उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रेण कहाँ जो सो। धन्यवाद बच्चों।